हेलो। यस, यहाँ पर मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे रिलेटेड विथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये मैं आपको टेस्ट कर चुका हूँ वीडियो नंबर 46 में, और उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, और ये क्वेश्चन ही तुम्हें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर ये हेल्पफुल होंगे बहुत ज़्यादा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सपोज आपको दूर की चीज़ें विजुलाइज नहीं होती हैं, तो आप क्या करोगे? आप ये आपको प्रॉब्लम है मायोपिया की। आप तो सपोज आप कॉन्केव लेंस पहने किसी के सामने खड़े हो, ठीक है? उसने आपसे पूछा कि आपने कौन सा लेंस पहना, आपने कहा कॉन्केव लेंस पहना है। भाई इसकी फोकल लेंथ कितनी है, उसने आपसे पूछा व्हाट इज द फोकल लेंथ। आपने कहा कि इसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है। उसने कहा ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखूं कि आपको विदाउट स्पेक्स आप देख सकें, ये क्वेश्चन है। डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि स्पेक्स यू आर यूजिंग इट्स अ फोकल लेंथ इज 5 मीटर। मैं अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं कि वो आपको प्रॉपर दिखाई पड़े, प्रॉपर दिखाई पड़े, क्लियर दिखाई पड़े। नो क्वेश्चन, इट्स आंसर इज 5 मीटर। ये देखिए, दिस इज। फिर क्वेश्चन उस बंदे ने किया कि और आपके लेंस को तो आपने बता ही दिया कि फोकल लेंथ इज 5 मीटर, तो 5 मीटर ही आपका फार पॉइंट हुआ। 5 मीटर पे रखोगे आपको दिखाई पड़ेगा, 5 मीटर ही फार पॉइंट। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो पहले लेंगे, और इस लेंस से ऐसे डाइवर्ज हो गई और डाइवर्स होकर के पीछे बैक करने पे यहां पे मीट कर रहे हैं। सो यू नो इट वेरी वेल कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन इनफाइनाइट और इस पॉइंट पे इमेज बन रही है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि किसी लेंस की फोकस पॉइंट क्या होता है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे सीम्स कमिंग फ्रॉम द पॉइंट आर मीटिंग एट अ पॉइंट दैट इज द फोकस पॉइंट। तो ये पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पीछे बैक करने पे यहां पे मीट कर रही है। सो दिस इज द एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है, यही इसकी फोकल लेंथ होगी और यही इसका फार पॉइंट हो गया। दिस इज द फार पॉइंट। ये मैंने क्वेश्चन तो आपसे पूछा था बट आंसर मैंने ही दे दिया। तो ये फार पॉइंट होगा, ये एफ फोकल लेंथ होगी इस लेंस की और दैट इज इक्वल टू एक्स आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि जब आप इस लेंस के थ्रू, इस स्पेक्स के थ्रू आप किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है? उस चीज का साइज बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है या वही रहता है, जिससे कि ये आपको अब दिखाई पड़ने लगती है, पहले नहीं दिखाई पड़ती थी अब आपको दिखाई पड़नी पड़ती है, तो साइज में क्या इफेक्ट होता है? लेस, स्मॉल, लार्ज, में से स्मॉल लार्ज आर इक्वल, क्या होता है? व्हाट इज? ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। ओके, आई एम टेलिंग यू। हाँ, 10 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस जब आप
इस लेंस को यूज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट दूर है उसकी जो इमेज बनेगी वो और छोटी हो जाती है, कॉनकेव लेंस की हेल्प से इमेज छोटी होती है, बड़ी नहीं होती है। इमेज जो बनेगी यहां पर, यहां इमेज बनेगी वो मिनिमाइज हो जाएगी वर्चुअल, बट पास में होने की वजह से इसकी इमेज रेटिना पर बन रही है, जो तुम्हें क्लियर दिख रही है, छोटी है बट क्लियर दिख रही है, क्योंकि इट्स इमेज इज रेटिना पे बन रही है, पहले रेटिना पर नहीं बन पा रही थी विदाउट दिस लेंस। ये इसका आंसर होगा। और इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस अगर कोई बंदा, जैसे तुम्हें यू आर मायोपिक पर्सन, मायोपिया है और तुम्हें ये यूज करते हो, तो जब रीडिंग करते हो तो रीडिंग के टाइम पर ये स्पेक्स हटा देते हैं, क्यों? वैसो जब आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग यू आर आपको हाइपर मेट्रोपिक पर्सन नहीं है, आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आप ये लेंस यूज कर स्पेक्स यूज कर रहे हैं तो इस स्पेक्स को हटा देते हैं फिर रीडिंग करते हैं, ऐसा क्यों? जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ ठीक है रोहित, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट। ओके देखिए जी, इसलिए कि इस तुम्हारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लेंस की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और रेटिना पे इमेज बन रही है। लेकिन जब ये लेंस अगर यूज करोगे तो इसका काम है डाइवर्जिंग, ये आपकी रेज को डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि इसमें जब आप नियर पॉइंट 25 है, 25 पे कोई चीज रख करके आप पढ़ोगे तो आपको रेटिना पे इमेज बनेगी, यहां पे इमेज बन रही है। लेकिन अगर ये इस जगह आपने ये लेंस लगा दिया, आई में कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये लेंस आप कॉनकेव लेंस लगा दिया तो रेज आपकी डाइवर्ज हो जाएंगी और फिर डाइवर्ज होकर के यहां पर इमेज बनेंगी आउट ऑफ रेटिना, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके चलिए, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो ओवर हो गए क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपके काम आएगा। इन दिस दिस इज द आई बाल और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर डिफेक्ट नहीं होगी आई में तो पैरेलल रेज ऐसे आकर के ऐसे यहां पर कन्वर्स होंगी रेटिना पे, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती है वो उसका फोकस पॉइंट होता है। अब इन केस देर इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में है, क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? नियर पॉइंट इंक्रीजेस तो नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं तो आपको चीज दिखाई पड़ेगी, तो एक ऐसा लेंस यूज करो कि उसकी इमेज यहां पर बने। अब इसमें क्वेश्चन ये कि इन केस आपको ये प्रॉब्लम है बट ये प्रॉब्लम नहीं है, तो जो दूर की चीज आपको साफ नजर आती है, पास की चीज नजर नहीं आती, रीडिंग नहीं कर पाते हैं, दूर की चीज आराम से देखते हैं, मीन्स आप हाइपरमेट्रोपिया है आपको, तो जब आप दूर की चीज देखनी होती है तो आप स्पेक्स हटा देते हैं, और स्पेक्स नहीं हटाओगे तो क्या होगा? प्रैक्टिकली आपको इस लेंस में यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लेंस की आपको जरूरत नहीं है, दूर की चीज आप देख रहे हैं आराम से, तो जब कन्वर्जिंग लेंस स्पेक्स लगा करके आप यहां पे देखेंगे दूर की चीज, तो ये आपके रेज को कन्वर्ज कर देगा जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। मीनिंग इज दिस, मैं कुछ
कुछ ऐसे बता दूं, दिस इज द आई और ये ऐसे, ये लेंस है और ये यहां पर है रेटिना पे इमेज, ये रेटिना है, यहां पे इमेज आपकी बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप ये स्पेक्स यूज कर रहे हैं और इसको अगर आप यहां पर यूज कर दोगे तो ये फर्दर बेंड हो जाएगी और कन्वर्ज हो जाएगी, यहां पर दो बार कन्वर्जिंग होगी, यहां पर कन्वर्जिंग होगी और इसके बाद फिर कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसे ऐसे बना सकते हैं। पहले ये रेज आई, यहां पे कन्वर्ज हुई, इसके बाद यहां पे फिर कन्वर्ज होकर यहां पर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, ब्लरिंग आएगी। मतलब मैंने तो काफी दूर बना दिया, यहां पर बनेंगे और ब्लरिंग होगी, रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी। और इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जब स्पेक्स स्पेल हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में जब आप स्पेक्स यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, करेक्टिव लेंस, वी से इट करेक्टिव लेंस, जब आप करेक्टिव लेंस यूज करते हैं तो साइज ऑफ द इमेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में साइज बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, सेम रहती है? ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस डिक्रीजेस आर सेम। चलिए ओके, ठीक है, आप इसका आंसर सुनिए। इन हाइपरमेट्रोपिया के केस में साइज, जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं तो जब आप कि आई करेक्ट है, नियर पॉइंट 25 डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप आराम से पढ़ रहे हैं और आपको एक लेटर प्रॉपर दिखाई पड़ रहे हैं जो उनका साइज है। और जब आपकी आई में प्रॉब्लम होगी और आई स्पेक्स यूज करोगे तब भी सेम साइज है, ऐसा नहीं कि लेटर बड़े कर दिए गए तब भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा, छोटे हो जाएंगे तब भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो उनका साइज है, हम ऐसा लेंस यूज करते हैं कि लेटर का जो साइज है उसमें कोई चेंज ना आए, सेम साइज के लेटर हमें नजर आए। सो आंसर इज दिस कि हेदर वी यूज स्पेक्स इन हाइपरमेट्रोपिया, साइज ऑफ नो चेंज इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज वही होता है, नो चेंज इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इन मायोपिया, मायोपिया में जो कॉनकेव लेंस यूज करते थे, ड्यू टू कॉनकेव लेंस साइज शॉर्टर हो गया था और फिर वो आपके इमेज रेटिना पे बन रही थी, आप देख रहे थे। इन दिस जब आप चीज देख रहे हैं, मान लीजिए रीडिंग कर रहे हैं, लेटर्स देख रहे हैं, तो स्पेक्स यूज करने के बाद भी साइज सेम रहेगा, दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। सो मैग्नीफाइंग पावर इज वन, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, मैग्नीफाइंग पावर इज वन। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप इन क्वेश्चंस को करिए और ये जो क्वेश्चंस हैं ये वीडियो नंबर 46 में आप, मैंने वहां टीच किया था, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। और ये आंसर्स, क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे तो न्यूमेरिकल इन्हीं के बेस पे, इसके बियॉन्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है, आप फटाफट न्यूमेरिकल समझ लोगे, मीनिंग समझ लेंगे। ओके,